हेलो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हमने इस बुक में यहाँ तक कंप्लीट किया था और उसका होमवर्क भी आप सबने कर लिया होगा। आज हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज दी गई है, राइट लेटर ए टू जेड। बच्चों, आगे हमने जो कैपिटल लेटर सीखे थे वो अब हमें यहाँ पर लिखना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कौन सा लेटर आएगा बच्चों? ए, ए फॉर एप्पल। बी, बी फॉर बॉल। सी फॉर कैट। डी, डी फॉर डॉग। ई, ई फॉर एलिफेंट। एफ, एफ फॉर फिश। जी, G for grapes. H, H for horse. I, I for ice cream. J, J for joker. K, K for kite. L, L for lion. M, M for mango. N, N for nose. O, O for orange. P, P for parrot. Q, Q for queen. R, R for rabbit. S, S for sun. T, T for tiger. U, U for umbrella. V, V for van. W, W for watermelon. X, X for Xmas tree. Y, Y for yak. और लास्ट में क्या आएगा? Z, Z for zebra. तो बच्चों, इसी तरह आपको A to Z लिखना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। राइट वॉट कम्स आफ्टर। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें लेटर दिए गए हैं, उसके बाद वाले यानी कि आफ्टर लेटर हमें लिखना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कौन सा लेटर है ये? ए, ए फॉर एप्पल के बाद नेक्स्ट कौन सा लेटर आएगा बच्चों? बी, तो हमें यहाँ पर बी फॉर बॉल लिखना है। नेक्स्ट लेटर देखते हैं, एस, कौन सा लेटर है ये बच्चों? एस फॉर सन। एस फॉर सन के बाद नेक्स्ट कौन सा लेटर आएगा बच्चों? टी, टी फॉर टाइगर। ये कौन सा लेटर है बच्चों? डी, D for dog. D के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? E, E for elephant. Next देखते हैं, कौन सा लेटर है ये बच्चों? P, P for parrot. P for parrot के बाद next कौन सा लेटर आता है? Q, Q for queen. Next देखते हैं, कौन सा है ये बच्चों? M, M for mango. M के बाद नेक्स्ट कौन सा लेटर आएगा? N, N for nose. नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा लेटर है ये बच्चों? F, F for fish. F for fish के बाद नेक्स्ट कौन सा लेटर आएगा? G, G for goat. नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा लेटर है ये बच्चों? Q for queen. तो Q for queen के बाद कौन सा लेटर आता है? R, R for rabbit. Next देखते हैं, कौन सा लेटर है ये बच्चों? I, I for ice cream. I के बाद next कौन सा लेटर आएगा? J, J for joker. तो बच्चों, इसी तरह आपको ये कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर भी आपको राइट ए टू जेड, आगे हमने जो ये ए टू जेड लिखा था उसी तरह आपको यहाँ पर भी लिखना है।
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको राइट व्हाट कम्स आफ्टर, यहाँ पे भी आपको जो ये दिए गए हैं उसमें आपको आफ्टर लेटर लिखना है। तो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न दी गई है तो वो हमें ट्रेस करनी है। बच्चों स्टार्ट करते हैं, ये पैटर्न आपको सिर्फ ये दो ब्लू लाइन में ही करनी है, अप वहां से ज्वाइंट करते हुए नीचे डाउन, अप डाउन अप डाउन। देखो बच्चों ये जो डॉट्स दिए गए हैं वो आपको अच्छे से ट्रेस करना है। ये ट्रेस वाली लाइन कंप्लीट हो गई, अब हम नीचे लिखते हैं। याद रखना बच्चों ये जो दो ब्लू लाइन है उसी में आपको ये पैटर्न करनी है। नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर स्लांटिंग लाइन, फिर वहां से जॉइंट करते फिर से नीचे, अप डाउन अप डाउन। इसी तरह आपको ये पैटर्न कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ स्टैंडिंग लाइन करनी है, ये दो ब्लू लाइन है उसमें आपको इस तरह स्टैंडिंग लाइन करनी है। इस तरह आपको ये पैटर्न भी कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, आपको ऊपर से स्टार्ट करते हैं नीचे ये कव लाना है, फिर वहीं से जॉइंट करते हुए ये दूसरा कव, इसमें बच्चों आपको पेंसिल नहीं उठानी है, कंटिन्यू ये पैटर्न करनी है। याद रखना बच्चों ये पैटर्न सिर्फ आपको ये दो ब्लू लाइन में ही करनी है, ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे इस तरह आपको कर्व जॉइंट करना है। तो बच्चों इसी तरह आपको ये वाला पूरा पेज होमवर्क में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसी तरह आपको ये वाला भी पूरा पेज होमवर्क में कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, यहाँ पे भी आपको पैटर्न दी गई है तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर ले जाना है, कर्व करना है बच्चों आपको। इस पैटर्न में भी आपको पेंसिल नहीं उठानी है। याद रखना बच्चों इस पैटर्न में भी आपको पेंसिल नहीं उठानी है, कंटिन्यू से यह पैटर्न करनी है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, देखो बच्चों ये कौन सी पैटर्न है, सी, लेकिन आपको सिर्फ ये दो ब्लू लाइन में ही करना है। डॉट्स दिए गए हैं उस पर आपको अच्छे से ट्रेस कर लिखना है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, इसमें भी आपको सी करना है, लेकिन ये साइड वाला सी करना है आपको। याद रखना बच्चों ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। बच्चों इसी तरह आपको इस पैटर्न का यह पूरा पेज होमवर्क में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, यहाँ पे भी आपको ये सेम पैटर्न दी गई है तो वो भी पूरा पेज आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो बच्चों इस बुक में आज हमने जो भी सीखा वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है।